बच्चों, शताब्दी से कुछ बरस पहले की बात है। 12 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही एक बालक ने पुस्तकालय, वाचनालय और वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने की एक संस्था चलाई। अपने से बड़े विद्यार्थियों की एक कक्षा को पढ़ाया। मात्र 18 वर्ष की आयु में पत्रिकाओं का संपादन भी किया। केवल 16 वर्ष की आयु में इस बच्चे ने एक विद्वान के रूप में भाषा विशेष की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से मुख्य वक्ता के रूप में भाषण दिया। इस बालक का नाम था अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम का जन्म 11 नवंबर सन 1888 ईस्वी को मक्का नगर में हुआ था। इनके पिता मौलाना खैरुद्दीन अरबी भाषा के प्रकांड विद्वान थे। इनकी माँ पवित्र नगर मदीना के मुफ्ती की पुत्री थी। इनका बचपन मक्का मदीना में बीता। सन 1907 में इनका परिवार भारत लौटाया और कोलकाता में बस गया। अबुल कलाम को बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। एक बार जो कुछ पढ़ लेते हमेशा के लिए उन्हें याद हो जाता था। उन्होंने साहित्य, दर्शन और गणित आदि विषयों का गहन अध्ययन किया था। उन्हें शायरी और गद्य लेखन का शौक बचपन से ही था। अपनी इस रुचि के कारण उन्होंने समय समय पर कई पत्र पत्रिकाएं निकाली और स्वयं उनका संपादन किया। उनकी पहली पत्रिका नौरंगे आलम है। जिस समय यह पत्रिका निकली मौलाना आजाद की आयु मात्र 12 वर्ष की थी। उन्होंने लिसानुल सिदक नामक एक पत्र प्रकाशित किया, जिसके माध्यम से उनका उद्देश्य तत्कालीन मुस्लिम समाज में फैले अंधविश्वास को समाप्त कर उसमें सुधार लाना था। अंजुमन हिदायतुल इस्लाम के लाहौर अधिवेशन में मात्र 15-16 वर्ष की आयु में इन्होंने बड़ी सधी और संयत भाषा में अपने विचार व्यक्त किए तो सभा में सन्नाटा छा गया। इन्होंने करीब 2.5 घंटे तक बिना लिखित रूप के सीधे अपना भाषण दिया। इस घटना के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में अबुल कलाम आजाद की धाक जम गई। उन्होंने आगे चलकर अलंदवा और वकील सहित कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। सन 1912 ईस्वी में उन्होंने अपना प्रसिद्ध साप्ताहिक अखबार अल हिलाल आरंभ किया। यह अखबार भारत और विदेशों में जल्दी ही प्रसिद्ध हो गया। राष्ट्रीय गतिविधियों में सक्रिय रहने के कारण मौलाना आजाद को कई बार जेल भी जाना पड़ा। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया। इस संबंध में गांधी जी ने कहा था, मुझे खुशी है कि सन 1920 से मुझे मौलाना के साथ काम करने का मौका मिला है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे महान नेताओं में से एक हैं। सन 1923 में मात्र 35 वर्ष की आयु में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। मौलाना आजाद हिंदू मुस्लिम एकता के अनन्य दूत थे। वे सन 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन के समय अंग्रेजों से हुई विभिन्न वार्ताओं में शामिल रहे। स्वतंत्र भारत में जब जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तब मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री का पद दिया गया। मौलाना आजाद ने शिक्षा, कला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। मौलाना आजाद लगभग 10 वर्ष तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। उन्होंने प्रौढ़ तथा महिला शिक्षा पर भी अत्यधिक बल दिया। 22 फरवरी सन 1958 ईस्वी को हमारे बीच से यह राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता, देश प्रेम का अनूठा आदर्श प्रस्तुत करने वाला यशस्वी साहित्यकार, उच्च कोटि का नेता विदा हो गया। धन्यवाद।